ओके सो गुड आफ्टरनून किड्स एंड हाउ आर यू ऑल फाइन ग्रेट नाउ वेलकम इन योर कंप्यूटर क्लास. सो इन लास्ट वीक व्हाट वी हैव सीन डू यू रिमेंबर? लेट मी रिमाइंड. याद नहीं है? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं. तो लास्ट वीक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, राइट? इन 2 डेज वी हैव रेड चैप्टर नंबर 2, इन विच व्हाट वी हैव सीन. उसमें हमने क्या देखा? इन दैट वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, है ना? हमने क्या पढ़े थे? बहुत सारी अलग अलग मशीन्स लाइक कैलकुलेटर, जूसर, फैन. एंड देन वी हैव सीन कि ये मशीन्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, वाई दीज आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो उसमें हमने पढ़ा था कि मशीन डू द वर्क फास्ट, मशीन डू द वर्क फास्ट, मशीन काम बहुत फास्ट करती हैं. देन फास्ट काम करती हैं सो दैट दे सेव आर टाइम, इससे हमारा टाइम बच जाता है. एंड द वर्क बिकम ईजियर, काम हमारा आसान हो जाता है जल्दी से फटाफट, है ना, एकदम फास्ट रैपिडली. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अलॉन्ग विद दीज 3 गुड थिंग्स, 1 बैड थिंग वॉज देयर. इन 3 अच्छी चीज़ों के साथ एक प्रॉब्लम भी है, दैट मशीन कैन नॉट वर्क देयर ओन, मशीन अपना काम खुद नहीं करती. रिमेंबर, याद आ गया? वेरी गुड. चलो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. तो हमने पहले मशीन्स देखी, फिर मशीन हमारी हेल्प कैसे करती हैं वो हमने देखा, है ना. देन व्हाट वी हैव सीन द नेक्स्ट, देन वी हैव सीन डिफरेंट मशीन्स हाउ दे आर एबल टू वर्क, वो काम करने के लिए कैसे लायक बनती है, मीन्स हाउ दे आर गेटिंग द एनर्जी टू डू वर्क. जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से. यू गेट एनर्जी टू वर्क ऑन विद योर फूड, है ना. वेन यू ईट फूड देन यू गेट एनर्जी, वेन यू गेट एनर्जी देन यू वर्क ऑन, है ना. जब आप फूड खाते हो तो आपको एनर्जी आती है, एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं. इन द सेम वे मशीन ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू वर्क, मशीन को भी क्या चाहिए? एनर्जी. तो दे गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. जैसे कुछ मशीन्स को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना. सम मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको याद है कौन कौन सी मशीन्स हैं? रिवाइज करो ज़रा पिक्चर देखकर. वॉशिंग मशीन, वेरी गुड. देन व्हाट इज दिस? से क्या, व्हाट डिड यू से? मिक्सर. ओ वेरी राइट. देन दिस वन आइडेंटिफाई. हाँ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वेरी गुड वेरी गुड. ऑल आर डूइंग गुड. नाउ नेक्स्ट वन, टेल दिस. एरोप्लेन. एंड दिस, व्हाट इज दिस? ये कार, वेरी गुड. सो दीज मशीन्स ऑल वर्क टुगेदर इन द सेम वे. क्या सब एक ही तरह की एनर्जी हो से काम चलते हैं? नो, दीज मशीन्स लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. एंड एरोप्लेन, कार, बाइक, स्कूटीज, दीज वर्क ऑन फ्यूल. फ्यूल मीन्स डीजल, पेट्रोल, लाइक दैट. ओके, देन सम मशीन नीड नॉट एनी काइंड ऑफ दीज मटेरियल बट दे नीड ह्यूमन पावर. उन्हें ना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना फ्यूल चाहिए. दे कैन वर्क ऑन आर ऑर्डर्स मीन्स आर पावर, लाइक योर बाइसिकल, लाइक दिस रिक्शा, लाइक दिस स्विंग मशीन, लाइक दिस बोट, लाइक वेजिटेबल चॉपर ऑफ योर मदर.
दे ऑल वर्क ऑन ह्यूमन पावर, है ना? सो दीज आर द मशीन. देन वन मोर थिंग वी हैव सीन, रिमेंबर इम्पॉर्टेंट मशीन वी हैव सीन, दैट वॉज कंप्यूटर. और हमने एक और मशीन कौन सी देखी थी? कंप्यूटर. और कंप्यूटर वो कौन, वॉट? कंप्यूटर किस पर चलता है? पेट्रोल से? नहीं. देन ह्यूमन पावर से? नो. देन इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड. कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. गुड गोइंग. सो कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर इज अ मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन डू मैनी थिंग्स. कैन डू मैनी थिंग्स. विच मशीन डू मैनी थिंग्स? कंप्यूटर. आंसर, विच मशीन डू मैनी थिंग्स? कंप्यूटर. गुड. एंड नाउ देन वी हैव सीन वॉट आर द गुड क्वालिटी इन कंप्यूटर. तो गुड क्वालिटी क्या है? इट इज स्मार्ट मशीन. इट इज स्मार्ट मशीन. इट नेवर मेक मिस्टेक. इट नेवर मेक मिस्टेक. इट नेवर गेट टायर्ड. इट नेवर गेट टायर्ड. इट वर्क वेरी फास्ट. इट वर्क वेरी फास्ट. एंड इट नीड ऑर्डर फ्रॉम अस. इट नीड ऑर्डर फ्रॉम अस. राइट? इट नीड ऑर्डर्स फ्रॉम अस. तो आपके पास फाइव फिंगर हैं, फाइव क्वालिटी हैं. निकालिए अपनी फर्स्ट फिंगर, थंब से स्टार्ट करिए. थंब, स्मार्ट मशीन, नेवर मेक मिस्टेक. सेकेंड फिंगर, गेट टायर्ड. थर्ड फिंगर, वर्क वेरी फास्ट. फोर्थ फिंगर एंड द लास्ट फिंगर, इट नीड आर ऑर्डर. सो फाइव फिंगर, फाइव क्वालिटी. गॉट इट? फाइव फिंगर, फाइव क्वालिटी. यू लर्न ऑन योर फाइव फिंगर टिप्स. ओके. नाउ तो आफ्टर डूइंग दिस, नाउ इट्स टाइम टू डू आर बुक एक्सरसाइज. सो आई एम हियर विथ योर बुक एक्सरसाइज. सो यू विल डू दिस, ओके, इन योर नोटबुक. डन. अ कंप्यूटर, रीड अलोंग विथ मी. अ कंप्यूटर सेव्स आर. कंप्यूटर सेव करता है. क्या करता है? यहाँ आप फोर चीज़ें दिखे, इनमें से पढ़ो ज़रा. यहाँ क्या है? आई ई. देखो आई और ई किसकी स्पेलिंग में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है. लेकिन इसमें कितने लेटर्स हैं? वन टू थ्री फोर. तो फोर लेटर वाला वर्ड देखो. ही रहा टाइम, वन टू थ्री फोर हैं फोर लेटर. और आई ई आई भी है, है ना? तो ये हमारा टाइम है. और अब आपको ये याद आ गया, सेव आर. क्या सेव करता है कंप्यूटर हमारा? टाइम सेव करता है. तो इसलिए आपका फर्स्ट आंसर क्या हो गया? टाइम. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी. कंप्यूटर वेरी कैसा काम करता है? ए एफ एस. एफ एस किस में? ये देखो, ये रहा फोर. फोर लेटर का वर्ड है, एफ और एस है, है ना? तो फास्ट. और मैच भी करता है हमारे क्वेश्चन से. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. फास्ट काम करता है कंप्यूटर, एकदम फास्ट. फिर नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर नेवर गेट्स. कंप्यूटर नेवर गेट्स. क्या नहीं होता है कंप्यूटर को? अब हमारे टू वर्ड्स तो हो गए, टाइम, फास्ट. हमारे पास बची है मिस्टेक और टायर्ड. तो कंप्यूटर क्या नहीं होता कभी? कंप्यूटर नहीं होता कभी टायर्ड. टी आर, देखो है इस वर्ड में टी आर. तो दिस वन विल गो विथ
दिस कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. राइट, वेरी गुड. आप थक जाते हो है ना? हाँ आई नो, बट कंप्यूटर नेवर. अ कंप्यूटर नेवर मेक्स वॉट? कंप्यूटर नेवर मेक वॉट? मिस्टेक्स. या दैट्स ट्रू, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स. देखो सबसे बड़ा वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड एम एस के है यहाँ पर, एम एस के. सो आपका मिस्टेक आ गया. सो कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता. डन. नाउ द नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब आपको क्या करना है, इस मशीन को उनकी करेक्ट चीज़ों से मैच करना है. अब आप नोटबुक में कैसे लिखोगे इसको? ड्राइंग तो मुश्किल है ना बनानी, तो आप क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं डायरेक्ट विदाउट पिक्चर. नेम राइट डाउन, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, जूसर, म्यूजिक सिस्टम वन साइड में, और दूसरे साइड में थिंग्स के नेम लिख लो, फ्रूट्स, सीडी, ब्रेड स्लाइस, डर्टी क्लोथ्स, एंड देन मैच द नेम विद दिस मशीन. तो टोस्टर किससे मैच होगा, क्लोथ से? नो, टोस्टर में हम क्या करेंगे, ब्रेड स्लाइस. सो टोस्टर विल गो विथ ब्रेड स्लाइस. एंड वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किसके साथ जाएगी, फ्रूट्स के? नो, डर्टी क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन विल गो विथ डर्टी क्लोथ्स. देन जूसर विल गो विथ, यू टेल, फ्रूट्स. वेरी गुड. एंड म्यूजिक सिस्टम विल गो विथ, लास्ट, सीडी. डन, वेरी गुड. सो दीज आर द मैच दैट वी हैव डन. राइट, नाउ ट्रू एंड फॉल्स. एंड नाउ ट्रू एंड फॉल्स एम सी क्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स आर लेफ्ट दैट वी विल डू ऑन टुमोरो. ओके, फॉर द डे दिस मच ओनली वर्क, ओनली टू द स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल किड्स. ओके, वॉट, हाउ विल यू राइट इन नोटबुक? यू विल राइट डेट, डे, चैप्टर टू, चैप्टर टू का नेम, देन सेक्शन ए, देन ए फिल इन द ब्लैंक्स, बी मैच द करेक्ट मशीन विथ करेक्ट थिंग. फिर वन साइड में मशीन नेम लिखेंगे, सेकेंड साइड में थिंग्स नेम लिखेंगे, एंड लाइन ड्रॉ करके मैच कर देंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड. कैसे लिखना है नोटबुक में? वन साइड में डेट डालना है, वन साइड में डे डालना है, सेंटर में चैप्टर का नाम और नेम लिखेंगे, फिर सेक्शन ए लिखेंगे, और फिर दोनों क्वेश्चन ए और बी नोट डाउन करेंगे. ओके, वेरी गुड. गॉड ब्लेस, शाबाश. सो नाउ कंटिन्यू योर वर्क, कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज ऑफ टू क्वेश्चन एंड देन सेंड टू मी. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.